तेजा, कंट्रोल, तुम्हारी हेल्थ। मोना डार्लिंग, अपना मुंह सिर्फ एक ही चीज के लिए खोला करो, प्लीज। मानो या ना मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इतना संस्कारी लौंडा हूँ ना कि मुझे नहीं पता ये काम कौन सा काम है। अगर तुम्हें पता ये किस काम की बात कर रहा है तो कमेंट करो और मुझे बताओ ये काम कौन सा काम है। चल छड़ चिया 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 चल छड़ चिया 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 चल छड़ चिया 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 चल छड़ चिया। Welcome back guys, आप देख रहे हैं ज्ञानी 2.0 और आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के अश्लील डायलॉग्स। आई नो तुम में से बहुत सारे सोच रहे होंगे भाई तू तो संस्कारी चैनल है फिर अश्लीलता क्यों? मैं तेरे को बताएगा भाई ऐसा क्यों कर रहा है तुम्हारा भाई। क्योंकि कल ना मैं अपनी फेवरेट अंडी की मूवी देख रहा था सिल्क समेत द डर्टी पिक्चर और उसमें ना एक बहुत पवित्र डायलॉग था, दिखाना वही चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। और भाई बड़े बुजुर्गों ने भी तो यही कहा है अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए और मेरा तो बस इतना ही मानना है पहले पाप तो कर लें। तो आओ एक बार फिर से बॉलीवुड अश्लील डायलॉग पार्ट तृतीय में हम थोड़ी संस्कारी बातें जोड़ें। खोस आई एम द वर्ड ऑन ईडा गॉड। तुम्हारा भाई रिसर्च करता है, मेहनत करता है, हार्ड कोर करता है। मेहनत की बात कर रहा हूँ, सेक्स की नहीं, हार्ड कोर कर की सारे ये सारे ये। पचास पचास कोस दूर जब गांव में होली होती है तो माँ कहती है सो जा बेटी सो जा वरना अपनी पिचकारी लेकर चब्बर आ जाएगा। योगी कब है होली, होली कब है? अगर तुम इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं अस्यूम कर सकता हूँ सेफली कि जब भी बॉलीवुड में पिचकारी की बात होती है तुम्हारे दिमाग में ये पिचकारी नहीं आनी चाहिए। संस्कारी से भाभी ऐसे कैसे हो जाती है, समझ रहे हो गहराई बातों की? संस्कारी चैनल है ये। मैं सोच रहा हूँ ज्ञानी 2.0 से आस्था 2.0 कर लूँ। ओरिजिनल आस्था टीवी पे ही है, मैं यूट्यूब पे आस्था की बात कर रहा हूँ, चैनल नहीं लड़की। वाइफ ने पूछा हस्बैंड से कि सच कहो कितनों के साथ सोए हो, हस्बैंड बोला सोया तो बस तुम्हारे साथ बाकी सैकड़ों के साथ जागा पूरी रात। जब मुझसे कोई बंदी पूछती है ना तुम वर्जिन हो या कितनों के साथ सोए हो मेरा भी यही जवाब होता है। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है और मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बात पे। पब्लिक सामान देखती है दुकान नहीं। मानो या ना मानो ये सच बात है और ये बात तो मैं श्योर हूँ कि जो इस बात की गहराई को समझ चुके हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे और जो इस बात की गहराई को नहीं समझ पाए बस इतना समझ लो कि सही खेल गया वैंच। सिर्फ दिमाग बड़ा है तेरा, दिल इतना सा और वो तो उससे भी छोटा है। और ये डायलॉग सुनने का मेरा बस एक ही सवाल है, उसका कितना बड़ा या कितना छोटा ये तुझे कैसे पता? और कई बार क्या होता है मजाक मजाक में अश्लीलता चिपका के निकाल देते हैं और लोग हंसी हंसी में पहचान नहीं पाते कि बहन जो कितनी अश्लीलता है इसमें। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना कि हम दोनों जुड़वा भाई लगते हैं, क्योंकि अब नहीं है यार। कहाँ से लगते हैं? मेरी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, इसके सर में बाल है, मेरे नहीं है। I fuck the people who fuck with me. वाह 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 नंगी बसंती, वाह क्या बात कही है, क्या बात कही है, क्या बात कही है। मेरे भाई चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे, कट्टा खरबूजी है भाई। चाहे तू करे या कोई और करे तेरे साथ हो ही रहा है। नहीं यार वो काली सी भेंजी टाइप है, छोड़ना यार वो। नहीं नहीं अच्छा जी, बिना कपड़े के काली गोरी सब एक जैसी दिखती है। पता ये बात मैंने पहले भी बोली हुई अपनी वीडियोस में, बट कुछ डायलॉग ऐसे होते ना जिनको मैं चाह के भी बयान नहीं कर सकता और ये डायलॉग वही डायलॉग है। बिना कपड़े के काली गोरी सब एक जैसी दिखती है। एंड द ओनली थिंग आई कैन से हियर इज सही खेल गया वैंच। अगर नहीं काटा ना तो ऐसी जगह काटूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पैंट पहनू या घाघरा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, बट मैं संस्कारी लौंडा हूँ। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कहाँ काटेगा कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। प्लीज मुझे कोई बताइए ऐसी कौन सी जगह काटने की बात कर रहा है कि बंदा कंफ्यूज हो जाए, पैंट पहने या घाघरा।
इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूं और तुम में से कुछ लोग मुझे संस्कार का पाठ सिखाना शुरू करें, तुमको बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज का ज्ञान, सेक्स और चॉकलेट दोनों एक ही टाइप का मजा देती है, बस फर्क इतना है कि एक में रैपर उतारना पड़ता है और एक में चढ़ना पड़ता है। तो यार इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है तो लाइक करना मत भूलना। और इस वीक में दिवाली है यार, तुम्हारे हर सवाल का जवाब ज्ञानी के पास है, तो अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है दिवाली से रिलेटेड कमेंट करो और मैं उनका जवाब देगा। और कल रात हम कर रहे हैं 9 बजे लाइव स्ट्रीम, तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो बी देयर, हम करेंगे फालतू बातें लाइक ऑलवेज विदाउट एनी टॉपिक, आधा घंटा एक घंटा लाइव स्ट्रीम करेंगे, तुमसे बात करेंगे, बहुत दिन हो चुके, सो बी देयर मैन। और अभी के लिए इतना काफी है, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। आई नो छोटी वीडियो है, वीडियो छोटी हो सकती है, तुम्हारे भाई का छोटा नहीं है। तो अभी के लिए इतना काफी, आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। बार बार जन्म लेते हैं करने के लिए अच्छे कर्म। आओ कभी हवेली पे।